मेक इन जापान और मेक इन चाइना, विभिन्न देशों का, वो कौन गर्व कर सकता है इस बात को कि विदेशी चीजों को वो करे? हम क्यों नहीं पूरी दुनिया में मेक इन इंडिया हो सकता है? इसलिए एक नए अभियान की तरह रास्ता भी दिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंडअप, ये मेक इन इंडिया चाहिए और ये शुरू हो गया। पूरी दुनिया को चाहिए हमारे विजन की। हम मेहनती भी हैं, हमारे पास विजन भी है, तभी तो पूरी दुनिया में छाए हैं हम। ये यदि दुनिया के शीर्ष संस्थाओं को देखें तो चाहे वो कोई भी संस्था हो, कोई भी गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, उसके सीईओ के पदों पर इसी हिंदुस्तान आईआईटी से पढ़ने वाला छात्र जाकर पूरी दुनिया को लीडरशिप दे रहा है। तो ये हमारी शिक्षा में कोई कमी नहीं है, हमारे विजन में भी कमी नहीं है, हमारे संकल्प में भी अब तक कोई कमी नहीं है। और फिर लीडरशिप, जहां नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्तित्व मिले, और आपके बिहार में भी एक अच्छी सरकार आई है जो विजनरी है और जो चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राज्य में भी समृद्ध तरीके से इन शिक्षा को और सुदृढ़ किया जाए। और मुझे इस बात को कहते हुए भी खुशी होती है कि पीछे के समय में चुनाव के दौरान मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यही आपके बिहार में कहा था कि आप अंतिम छोर का भी बच्चा अपनी मातृभाषा में डॉक्टर और इंजीनियर बन सकेगा, इंजीनियर भी बनेगा और डॉक्टर भी बनेगा। तो ये छोटी बात नहीं है और हम उसको साबित करेंगे। उनकी जो उनकी कल्पना है, जो उनका सपना है प्रधानमंत्री जी का, उस सपने को हम साकार करने के लिए जुटे हुए हैं। हमारे बहुत सारे IIITs, हमारे बहुत सारे IITs, बहुत सारे कॉलेज, अब जो उनकी क्षमता है, जिस तरीके से वो उसमें अनिवार्यता नहीं रखी है, लेकिन बहुत सारे स्वैच्छिक तरीके से जिस ढंग से लोगों ने काम किया, मुझे खुशी होती है। जब मैंने पीछे के समय में एक मीटिंग की थी तो मद्रास के निदेशक IIT ने कहा, हम ऐसे ही करते हैं, जो लोग तमिल पहले पहले वर्ष में हम पूरे तरीके से उसी भाषा में पढ़ाते हैं ताकि उसको कोई कमी ना आए। जब JEE की परीक्षाएं 13 भाषाओं में शुरू हो जाएंगी तो स्वाभाविक है कि वो छात्र जो कि भाषा के कारण जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं कर पाता था कि कोई भाषा सीख करके और तब जाकर के वो करे अपनी भाषा में, इसलिए नई शिक्षा नीति में भी आपने देखा होगा। तो आज 4 बजे जो है मंत्री जी लाइव आने वाले हैं आप सबके बीच में और आपकी समस्याओं को हल करने वाले हैं। आप अपने अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में लिख लें। आज 3 बजे तक मंत्री जी को क्वेश्चन भेजे जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, राम नरेश सही लिख रहे हैं कि पोस्टपोन कराना चाहिए, एग्ज़ाम अप्रैल या मई में होना चाहिए। बिल्कुल सही चीज़ें। और ये जो पीछे वीडियो चल रहा है ये रिकॉर्डेड वीडियो है, अभी मंत्री जी लाइव नहीं आए हैं। आप सबको बता दें मंत्री जी जो है लाइव आएंगे आज शाम 4 बजे। बिल्कुल बिल्कुल, आज शाम 4 बजे जो है मंत्री जी लाइव आएंगे और हमारे इसी चैनल पर उनका लाइव सेशन होगा। बिल्कुल, लगातार सभी लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। बिल्कुल बिल्कुल, ट्वीट करें। बिल्कुल सही है। तो अभी देख लेते हैं ट्विटर पर क्या चल रहा है। बिल्कुल, आप सबको मैं दिखा देना चाहता हूँ कि मंत्री जी के ट्विटर अकाउंट्स पर पहुंच चुके हैं अपन लोग। आप देख सकते हैं मंत्री जी ने क्या क्या ट्वीट अभी डाले। ये एक ट्वीट अभी डाला है मंत्री जी ने, डियर टीचर आई विल बी एड्रेसिंग योर कंसर्न रिलेटेड टू अपकमिंग बोर्ड एग्जाम एट 4 PM टुडे ऑन ट्विटर एंड फेसबुक पेज, लुकिंग फॉरवर्ड इंटरेक्टिंग विद। फिर उन्होंने कहा है आप एस एस टैग का यूज करके क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये देखिए आज जो है मंत्री जी पहुंचने वाले हैं आज 4 बजे। मंत्री जी ने फिर से अभी 1 घंटे पहले दोबारा से अनाउंसमेंट कर दिया है कि बिल्कुल आप लोग बने रहें। ये देख सकते हैं आप 4 बजे जो है मंत्री जी जो है आने वाले हैं और आपकी एक एक समस्या को हल करने वाले हैं। बिल्कुल इसी चैनल पर आने वाले हैं आप, बस चैनल के साथ बने रहें। इसी चैनल पर मंत्री जी 4 बजे आने वाले हैं और आपकी पूरी समस्याएं हल करने वाले हैं। जहां तक डेट शीट देंगे मंत्री जी, 10th 12th की डेट शीट मिल जाएगी बच्चे को। इसके अलावा और भी सारी बातों पर मंत्री जी चर्चा करेंगे। बहुत जल्दी मंत्री जी ने क्लियरिफिकेशन कर दिया है कि मंत्री जी बिल्कुल 4 बजे आज शाम 4 बजे जो है
मंत्री जी लाइव आने वाले हैं, इसमें